हमें स्ट्रेस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड हमने तीन तरह के मटेरियल पढ़े थे, जिसमें जो पहला मटेरियल था वो था हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, जो दूसरा था वो था बेटा पार्शली इलास्टिक और पार्शली प्लास्टिक मटेरियल, और जो तीसरा था वो था परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। अब हमें इस चैप्टर यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में, इस चैप्टर के अंदर हमें जो मटेरियल लेकर के चलने हैं वो लेकर के चलने हैं बेटा परफेक्टली इलास्टिक, या फिर जो मटेरियल इलास्टिक नेचर शो करते हैं हमें उन मटेरियल को डिस्कस करना है। और जैसा कि आप जानते हो कि इलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल हैं जब आप इनके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो तो ये मटेरियल अपनी शेप को वापस से रिगेन कर लेते हैं, और उस तरह के मटेरियल को बेटा हम लोग परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल बोल देते हैं। अब मान के चलो कि आपके पास एक इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है। इलास्टिक मटेरियल मीन द सेंस कि जब आप उसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो तो वो अपनी शेप को कम्प्लीटली रिगेन कर लेता है। तो मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक रबड़ लिया है, उस रबड़ को हमने बेटा एक रूफ से बांध दिया है, ठीक है। तो ये हमारा रूफ बनाया हमने, और यहाँ बेटा हमने क्या बना लिया, यहाँ पर हमने रबड़ को बना लिया है। तो हमारे लिए क्या बेटा, ये हमारे लिए एक रबड़ है जिसका जो इनिशियल लेंथ है वो स्मॉल एल है, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। तो जब आप लोग इसके ऊपर एफ न्यूटन का फोर्स उसके परपेंडिकुलरली लगाएंगे तो होगा क्या कि इस रबड़ के अंदर एक्सटेंशन पैदा होगा और रबड़ की जो शेप है बेटा वो चेंज हो जाएगी। शेप चेंज होने का मतलब यहाँ पर लेंथ से चेंज होने पर है, एरिया के चेंज होने से है, और वॉल्यूम के चेंज होने से है। ओके, तो इस टाइम इस रबड़ की जो लेंथ बन चुकी है वो बन चुकी है एल डैश, ठीक है। तो फाइनल जो लेंथ बनी वो हमारी कितनी बनती है, वो बनती है एल डैश, और इनिशियल जो लेंथ थी वो कितनी थी बेटा, वो हमारे पास थी स्मॉल एल। आपने यहाँ जो ये फोर्स लगा रखा है एफ न्यूटन का, जो कि इसकी लेंथ में परिवर्तन कर रहा है, जो कि बेटा इसकी लेंथ में परिवर्तन कर रहा है, आप जैसे ही इस फोर्स को हटाओगे तो भाई ये जो रबड़ है वापस से अपनी शेप को रिगेन कर लेगी, वापस से अपनी शेप को रिगेन कर लेगी। और यह जो फोर्स हमने हटाया है इसको हम बेटा क्या बोलने वाले हैं, इसको बोलते हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसा कि हम लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो वैसे भी हमें पता है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो एक ऐसा सा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। बढ़िया, अब ध्यान दीजिए, जब आपने इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तो इस रबड़ ने अपनी जो शेप थी वो रिगेन कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि इस रबड़ के अंदर एक फोर्स डेवलप हुआ था, इसके मॉलिक्यूल्स में एक फोर्स डेवलप हुआ था, और इसी फोर्स ने रबड़ की शेप को रिगेन कराने में इसकी हेल्प की थी। और इस फोर्स को हमने बेटा बोला था रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है बेटा ये, रिस्टोरिंग फोर्स था हमारे लिए। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिए कि जो ये डिफॉर्मिंग फोर्स हम रबड़ के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, अब इस फोर्स के बिना एक लिमिट है, जहाँ तक हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स से इस रबड़ की जो शेप है उसको चेंज करेंगे, सो दैट जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स रबड़ की शेप को वापस से रिगेन कराने में उसकी हेल्प करेगा। अब ये जो हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेटा, इसकी भी एक लिमिट है। लिमिट मीन द सेंस कि भाई इस रबड़ को खींचने की, इस रबड़ को एक्सटेंड होने की एक लिमिट है कि वहाँ तक आने के बाद अगर आप लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो रबड़ अपनी शेप को कम्प्लीटली रिगेन कर पाएगी। और अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया ना, उस लिमिट को क्रॉस कर दिया तो रबड़ अपनी शेप वापस से रिगेन नहीं कर पाएगी। तो उस लिमिट को क्या बोला गया बेटे, उस लिमिट को बोला गया है इलास्टिक लिमिट। कौन सी लिमिट बोला गया है, इलास्टिक लिमिट बोला गया, ठीक है। कौन सी लिमिट है बेटा, वो इलास्टिक लिमिट है। सो दैट कि अगर आपने इलास्टिक लिमिट से पहले ही डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ दिया, या इलास्टिक लिमिट पे लाकर के डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ दिया, तो रबड़ अपनी शेप कम्प्लीटली रिगेन कर लेगी। बट अगर आपने उस इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया फिर डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ा तो रबड़ अपनी शेप कम्प्लीटली रिगेन नहीं कर पाएगी। अब जो बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स है ना, वो डेफिनेटली बेटा वो रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट साइड में लगता है। ये हमारा कौन सा फोर्स है, ये बेटे हमारे पास है रिस्टोरिंग फोर्स, और ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया था जिससे उसकी लेंथ चेंज हुई थी, ये हमारे पास कौन सा फोर्स है,
ये हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है। अब ध्यान से देखिए कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है और ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, दोनों की दोनों आपस में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट पॉइंट लिखने वाला है, पॉइंट लिखने वाला ये है क्या कि भाई साहब इलास्टिक लिमिट से पहले, इलास्टिक लिमिट से पहले यानी कि आपने इलास्टिक लिमिट को अचीव नहीं करना है, उसी से पहले अगर उससे पहले आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो ना ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करने में, तो हमारा उससे पहले जो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है ना और जो रिस्टोरिंग फोर्स है बेटे, वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। क्या होने वाले हैं बेटा? दोनों के दोनों बराबर होने वाले हैं। कहने का मतलब ये, इलास्टिक लिमिट से पहले डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों के दोनों बराबर होते हैं। आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो स्ट्रेस है उसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर हम थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहेंगे। यहाँ पर जो हमने स्ट्रेस की डेफिनेशन दी थी वो दी थी द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, बट मैं जो चैप्टर पढ़ रहा हूँ वो इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, तो मुझे जो फोर्स अप्लाई करना है वो इलास्टिक लिमिट से पहले, मतलब इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करना, इतना ही हमें फोर्स अप्लाई करना है। और उससे पहले जो आप फोर्स अप्लाई करते हो उसी के बराबर पैदा होता है बेटे रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसका मतलब यह है कि जो स्ट्रेस की दूसरी डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनने वाली बेटे? वो बनने वाली है रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो यानी कि इस जो हमने यहाँ पे ये फोर्स लगा रखा था ये हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स था, तो डिफॉर्मिंग फोर्स इलास्टिक लिमिट से पहले रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है, इसलिए जो स्ट्रेस की डेफिनेशन बनती है वो ये भी बन सकती है द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो हमने टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स के अंदर भी बेटा हमने जैसे मान के चलो हमने नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा था या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ा था या टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ा था, ये सभी एक हैं। तो यहाँ पर हम फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं बेटे? हम फोर्स की जगह ना रिस्टोरिंग फोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स कौन सा भाई? ये फोर्स हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है और हमें जो बात करनी है वो इलास्टिक लिमिट से पहले करनी है, ठीक है। मतलब इलास्टिक लिमिट नहीं आनी चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि जो हमारा ये फोर्स बन सकता है ये हमारा बेटे रिस्टोरिंग फोर्स भी बन सकता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ये भी आपका बेटा क्या बन सकता है? नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी कंप्रेसिव स्ट्रेस के अंदर भी कि भाई जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वही जो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स होगा वो बेटा हमारा रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर बनने वाला है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इसी प्रकार से जो हमारा लास्ट वाला था यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पर भी हम F of restoring लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। F of restoring divided by में area, ये एक ही बात है। अब हमारे पास जो next term आती है, जो next important term आती है वह आती है strain। क्या आती है बेटा? वो आती है हमारे पास strain। अब ये strain है क्या? तो पहले मैं इसकी definition बोलना चाहूँगा। जो strain की definition है वो है change in configuration divided by में original configuration। यहाँ पर जो ये कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग है वो बेसिकली किससे बेटा? वो हमारा है लेंथ से, ठीक है। वो हमारा हो सकता है एरिया से, वो हमारा हो सकता है वॉल्यूम से। तो कहने का मतलब ये है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। शेप चेंज होने का मतलब लेंथ के चेंज होने से है, एरिया के चेंज होने से है, वॉल्यूम के चेंज होने से है। तो उसी बेस के ऊपर हमने बेटा एक डेफिनेशन बना रखा है, एक कॉन्सेप्ट बना रखा है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। और स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब स्ट्रेन के भी मेनली तीन टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं स्ट्रेन के? मेनली बेटा तीन टाइप्स हैं। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर इसको अपन कंप्रेसिव स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, और तीसरा है शियर स्ट्रेन या फिर इसको बेटा हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या है। मान लीजिए फिर से हम लोग रबड़ का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। अब रबड़ के एग्जाम्पल में क्या है कि हम लोग रूफ़ के साथ एक रबड़ को बांध देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए भैया एक रूफ है और ये हमने एक रबड़ बनाया है, इसका जो लेंथ है बेटा वो हमारा स्मॉल एल है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारा बेटा ए है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो एल है वो उसका इनिशियल लेंथ है, यानी क्या है? इनिशियल लेंथ है।
इनिशियल लेंथ, और जो ए है वो उसका है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, कहां पर लगाया, एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, तो होगा क्या कि इस रबड़ की जो लेंथ है ना वो एल से एल डैश बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो अब रबड़ की लेंथ आने वाली है वो कितनी आने वाली है बेटा, वो आने वाली है एल डैश। और ये जो हमें अप्लाई करना है, हमें इलास्टिक लिमिट तक ही लेकर के जाना है, आपको इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। तो लेंथ कितना बन चुका बेटा, एल डैश बन चुका है। तो एल डैश जो है वो है हमारे पास फाइनल लेंथ, एल डैश जो है वो है हमारे पास फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ। ओके चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं देखूं, मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी डिफाइन करी है जिसको बेटा मैंने लिखा है एल डैश माइनस के एल, यानी कि आप फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ घटा रहे हो, तो यही आपका क्या कहलाने वाला बेटे, यही आपका कहलाने वाला है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को आप लोग लिखते हो डेल्टा एल से, यानी कि ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही बात है। तो फिजिक्स में जो हम चेंज इन लेंथ लिखते हैं बेटा, वो हम लिखते हैं डेल्टा एल से। तो डेल्टा एल भैया ये रहा हमारे पास। ओके चलिए जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिफाइन करना है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है क्या, बेसिकली जो मैंने आपको स्ट्रेन का डेफिनेशन लिखवाया था वो ये लिखवाया था, वो लिखवाया था बेटा कि भाई चेंज इन कॉन्फिग्रेशन डिवाइडेड बाई में ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन। अब उस कॉन्फिग्रेशन का मतलब लेंथ से था, एरिया से था, या फिर वॉल्यूम से था, या उसकी शेप से था। तो इस वाले केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में ना जो हमारी कॉन्फिग्रेशन जो चेंज हो रही है वो बेटा हमारी लेंथ चेंज हो रही है। तो उसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, वो बनेगी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल लेंथ। वो क्या बनने वाली है, वो बनने वाली है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल लेंथ। तो बेसिकली यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा वो आने वाला है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल लेंथ, डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और ओरिजिनल लेंथ मतलब कि भाई जो उसकी इनिशियल लेंथ थी, तो जो इनिशियल लेंथ है वही उसकी ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ कितना है बेटा, वो हमारे पास आया वो डेल्टा आया, और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है बेटा, वो हमारी एल है। तो इसीलिए जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास आने वाला है डेल्टा एल बाई स्मॉल एल। ठीक है, ओके गुड, शाबाश। अब इसका जो यूनिट बनेगा, इसका जो यूनिट बनने वाला है, यूनिट जो बनने वाला बेटे, ये बेसिकली क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ की अगर मैं यूनिट डिफाइन करूँ वो भी मीटर बनने वाली है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने 4 मीटर में से आपने 2 मीटर को घटा दिया, तो जैसे ही आप 4 मीटर में से 2 मीटर घटाओगे तो आपके पास कितना आंसर आने वाला है, वो आने वाला है 2 मीटर। तो बेसिकली आया तो भैया वो लेंथ ही है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो यूनिट बनेगी ना चेंज इन लेंथ की, वो बनने वाली है मीटर अपॉन लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, वो मीटर होती है। तो मीटर ने मीटर को कैंसिल कर दिया, इसलिए जो इसकी यूनिट होती है बेटा ये यूनिट लेस होता है, ये यूनिट लेस है, करेक्टर लेस नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो इसका जो डेफिनेशन बनने वाला है वो बनने वाला है इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं इसको बात करूँ ना तो बेसिकली बेटा जो हमारा ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस की तरह ही है। वहाँ पर भी जो हमने डायग्राम बनाया था, वहाँ पर बेटा हमने डायग्राम जो बनाया था वहाँ पर भी हमने यही वाला डायग्राम बनाया था, जहाँ पर हमने किसी रोड की या किसी रस्सी की जो लेंथ थी उसको हमने वहाँ पर चेंज किया था। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि भैया जो हमारा डायग्राम बनता है ना दोनों केसेस में वो हमारा सेम ही बनता है। उसके बाद का जो स्ट्रेन है वो है बेटे हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो चलिए इसको शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारा डायग्राम रहने वाला है वो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस था वहाँ हमने जो डायग्राम बनाया था वो दोनों के दोनों सेम रहने वाले हैं। ओके, तो याद कीजिए वहाँ पर हमने जो एक हमने ना डायग्राम बनाया बेटे, वहाँ पर हमने एक स्फीयर लिया था। तो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मैं एक स्फीयर बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, और इस स्फीयर के ऊपर मैंने चारों दिशाओं से फोर्स लगा देना है। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो दो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट जो एरिया बनने वाला है वो हमारा
वो हमारा बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेस बनने वाला है। ओके, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम इस स्फीयर के ऊपर चारों दिशाओं से फोर्स लगा रहे हैं, इस स्फीयर के ऊपर चारों दिशाओं से फोर्स लग रहा है भैया। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब होगा क्या, इस फोर्स की वजह से, इन सभी फोर्सेस की वजह से ना, इस जो स्फीयर है, अच्छा अभी इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी जो बेटा इनिशियल वॉल्यूम है इस वाले स्फीयर की, वो कितनी है, वो वी है। तो मैं वी लिख देता हूँ, वी क्या बेटा, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम है इसकी। ठीक है, और जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो वॉल्यूम बन जाएगी, इसकी जो वॉल्यूम बन जाएगी, इसकी जो शेप है बेटा, वो कुछ इस तरह से की बन जाएगी। मतलब ये चारों दिशाओं से कंप्रेस हो जाएगा, जब ये कंप्रेस हो जाएगा तो इसकी जो फाइनल वॉल्यूम बनेगी वो बनेगी वी डैश, और वी डैश जो है वो है हमारे पास फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। ओके, तो मैंने वी डैश में से वी घटा दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम घटा रहे हो, तो बेसिकली आपके पास किसके बराबर आएगा बेटा, ये आएगा आपके पास चेंज इन वॉल्यूम के बराबर, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, और इस चेंज इन वॉल्यूम को हम डेल्टा वी से भी लिख सकते हैं। तो अब इस जो जो हमारे पास ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, जैसा कि मेरे को पता है कि जो स्ट्रेन का डेफिनेशन है वो है चेंज इन कॉन्फिग्रेशन, चेंज इन कॉन्फिग्रेशन डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्फिग्रेशन चेंज हो रही है वो बेटा हमारी वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो इसीलिए इस कंप्रेसिव स्ट्रेन या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की डेफिनेशन बनेगी, वो बनेगी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग कि इसकी जो डेफिनेशन बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, वो बनने वाली है भैया, ये बनने वाली बेटा, ये बनने वाली है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम, अब जो चेंज इन वॉल्यूम है वो है कितना, वो है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना था वो है बेटा हमारा वी। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बनेगा उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डेल्टा वी बाय में डी। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ तो बेटा ये भी क्या है कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्यों है, क्योंकि ऊपर क्या है वॉल्यूम, ऊपर क्या है चेंज इन वॉल्यूम बेसिकली, और नीचे क्या बेटा वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब जब हम वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ही आने वाला है। तो मान के चलिए कि भाई, मान के चलिए बेटा कि भाई हम हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितनी है, वो 100 है, और जो फाइनल वॉल्यूम बनी अगर आप चेक करोगे ना तो फाइनल वॉल्यूम कम है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना बना बेटा, वो सपोज कीजिए वो 80 है, तो मैंने फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम घटा दिया, तो हमारे पास कितना आंसर आया, वो आया माइनस के 20 मीटर क्यूब आंसर आ गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा साइन आ रहा है, वो जो साइन आ रहा है वो नेगेटिव का साइन आ रहा है, इसलिए मैं इस डेल्टा वी के सामने माइनस का साइन लगा दूंगा। माइनस का साइन लगाने का मतलब ये है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से जो वॉल्यूम है वो हमारी कम होती रहती है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर वॉल्यूम आया तो वॉल्यूम की यूनिट क्या बनती है, वो बनती है मीटर क्यूब अपॉन नीचे क्या, नीचे है वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट के भी क्या बनती है, वो बनती है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब ने मीटर क्यूब को कैंसिल कर दिया, इसलिए ये जो क्वांटिटी बनती है बेटा ये हमारी क्या बनती है, यूनिटलेस क्वांटिटी बनती है। यानी कि वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन है तो वो भी क्या बनने वाला है, वो भी हमारा यूनिटलेस बनने वाला है। ओके, अब इसका जो डेफिनेशन बनने वाला है वो बनने वाला है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रेन आता बेटे वो आता हमारे पास शियर स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन। अब इसका भी जो डायग्राम है वो हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस जैसा ही बनने वाला है, जहाँ पर हमने एक क्यूब बनाया था और उस क्यूब का जो नीचे वाला एंड है उसको हमने बेटा फिक्स कर दिया था। तो चलिए शुरू कर देते हैं शियर स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो इस क्यूब के मैंने ना जो हमारा नीचे वाला फेस था उसको बेटा हमने फिक्स कर दिया था, यानी कि जो ये वाला क्यूब का फेस है ये हमारा क्या, ये हमारा फिक्स है, और हमने जो फोर्स लगाया था वो हमने बेटा इस वाले फेस के टेंजेंट लगाया था। तो जब हम इस वाले फेस के टेंजेंट फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन बेटा हमें इस वाले फेस के टेंजेंट लेना है, यानी कि इस वाले फेस के एरिया के टेंजेंट लेना है। तो हम लोग ये देखेंगे
कि भाई इस क्यूब का जो शेप था वो कुछ इस तरह से बन गया था, ठीक है। ये वाला जो एज है, ये वाला एज बेटा हमारा यहाँ आ जाएगा, और इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा, ओके, और इसको बेटा मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा। ऐसे ही ये वाला जो एज है हमारा, ये वाला एज बेटा हमारा यहाँ आ जाएगा, इसको मैं इस वाले पार्ट से ज्वाइन कर दूंगा, इसको बेटा मैं इस वाले पार्ट से ज्वाइन कर दूंगा। तो मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, पिछले वाले लेक्चर्स में भी समझाया था कि जो ये एंगल बनता है ये बेटा हमारा फाई बनता है, और इस फाई को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस फाई को हम लोग शियर स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन बोल देते हैं, ओके। अब ध्यान दीजिए, कि बेटा ये जो लेंथ होती है ना, जो हमारी एज की लेंथ आगे बढ़ी है, इसको बेटा हम लोग लिखते हैं डेल्टा एल से। तो कई बुक्स में अगर उसने उसको एल डैश से लिख रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो क्यूब माना है मैंने, इस क्यूब का जो साइड है, बेटे वो हमारा कितना है, वो हमारा स्मॉल एल ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमने यहाँ पे लेंथ बनाया है, एज बनाया है, उन सबका लेंथ कितना बेटे, स्मॉल एल है। अगर मैं यहाँ से टेंजेंट फाई निकालता हूँ, क्योंकि जो फाई है ना, उस फाई को हमने क्या बोला बेटे, हमने उसको टेंजेंशियल स्ट्रेन बोला है, ओके। अब अगर मैं यहाँ से टेंजेंट ऑफ फाई की वैल्यू निकालूँ, टेंजेंट ऑफ फाई की, अब टेंजेंट फाई जो होता है वो होता है बेटे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो मैंने जो राइट एंगल ट्रायंगल लिया है वो हमने बेटा ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है, ठीक है। अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें जो एंगल के सामने बनता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना बेटे, वो हमारा है डेल्टा एल अपॉन इस, ये जो हमारे पास बेस है बेटे वो कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, वो हमारे पास एल। तो ध्यान से देखिए, जो टेंजेंट ऑफ फाई बना हमारा कितना बनता बेटे, वो बनता हमारे पास डेल्टा एल बाय में एल, ओके। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए कि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर हमने कोई थीटा लिया है, थीटा क्या बेटा, वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो थीटा वेरी वेरी स्मॉल का मतलब है कि भाई अगर वो थीटा वेरी वेरी स्मॉल है, और अगर हम कोस थीटा को लिखना चाहें तो कोस थीटा हमारा नियरली इक्वल टू वन बन जाएगा। कहने का मतलब है कि भाई जो ये थीटा है ना हमारा, वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम है, तो इसलिए जो कोस थीटा बनेगा वो हमारा नियरली इक्वल टू वन बनेगा। ऐसे ही जो साइन थीटा होगा ना, और जो टेंजेंट ऑफ थीटा होगा बेटे, साइन थीटा और टेंजेंट थीटा तुम्हारे नियरली इक्वल टू थीटा ही बन जाते हैं। अब यहाँ पर भी जो ये टेंजेंशियल स्ट्रेन, यानी कि ये जो फाई आया है ना, इसकी जो वैल्यू है वो बहुत 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 कम है, इसलिए जो टेंजेंट फाई है ना, ये क्या बेटा, वो वेरी 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 स्मॉल है। इसलिए इस टेंजेंट फाई को हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं बेटा, इस टेंजेंट ऑफ फाई को हम लिखेंगे केवल और केवल फाई। तो जो फाई आया हमारे पास, यानी कि जो टेंजेंशियल स्ट्रेन या फिर शेयर स्ट्रेन आया है, वो भी कितना बेटे, वो हमारे पास आया है डेल्टा एल बाय एल। और अगर आप चेक करोगे तो ये भी क्या बेटा, ये भी हमारा क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस है भाई ये, ठीक है, इसका भी कोई यूनिट